चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। युवा जो देख रहा है, जो विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक लड़का किस तरह से इतना ज्यादा समर्थन हासिल कर रहा है, क्राउड फंडिंग के जरिए वो चुनाव लड़ रहा है, आखिर लोग उसमें कुछ देख रहे हैं, तभी तो पूरे देश के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। और उसमें एक ही चीज़ लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का कल्चर कहीं फिर से आ जाए, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था, संसद में क्वेश्चन पूछा जाता वो कल्चर आ जाए तो डेमोक्रेसी के लिए। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी बिहार की बेगूसराय सीट के ग्राम पतला में हैं। मुख्य रूप से कुशवाहा समाज का गांव है, मुख्य रूप से कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं इस गांव में। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ नौजवानों से, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है चुनावी रुझान इस बार, पिछले 5 साल में क्या अनुभव रहा है रोज़गार के मुद्दे पर। रोज़गार में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, 4-5 साल से वैकेंसी दबा के रखे हुए थे चुनाव के लिए, और जो तैयारी कर रहा है वो बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको तो समझ में आता है कि जो सीट 2015 में खाली हुआ वो 2015 में क्यों नहीं वैकेंसी आया, वो 2019 में कैसे आया। ये सब चीज़ के लेके सरकार के प्रति उदासीनता है युवाओं, क्योंकि यहाँ उस तरह का कोई इन्वायरमेंट नहीं है कि आदमी 15-20 हज़ार रुपया दूसरे तरीका से कमा सके। जो पढ़ा लिखा लड़का है वो ऑफिस में ही काम करेगा, तो इस तरह का कोई इन्वायरमेंट है नहीं, तो इसके लिए सरकारी नौकरी पर लोग आश्रित हैं, और उनके साथ जब इस तरह से धोखा होगा तो बहुत दिक्कत है। जो इसके पहले का पोस्ट है ALP टेक्नीशियन, उसे तो फाइनल नहीं किया गया और उसके बाद फिर से उस पर बहाली करवाया जा चुका, तो एक वैकेंसी की मिनिमम फीस है 500 रुपया। अगर ये गवर्नमेंट हम लोग जब तक परीक्षा नहीं लेती है तब तक ये रिफंड करती नहीं है, तो अगर ये 1 साल रोक के रखी तो इसके पास तो बहुत सारा हम लोग का पैसा जमा हो गया, और उस पैसे पे इससे तो ब्याज बैंक देते ही होगी। तो आप लोग कह रहे हैं कि ये रोज़गार नहीं मिला, मोदी जी तो वायदा किया थे कि 2 करोड़ रोज़गार साल का मिलेगा, और जब जी न्यूज़ उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, लोग पकौड़े तो तल रहे हैं। नहीं नहीं, जी न्यूज़ वाला दलाल है सुधीर चौधरी, सबको मालूम है। तो ये जो मोदी जी कहे कि रोजगार के नाम पर लोग पकोड़े तल रहे हैं, उस पर वो आदमी बेवकूफ थोड़ा है, सुधीर चौधरी को पहचानता नहीं किसके पक्ष में बोलता है सुधीर चौधरी, अंजना ओम का सब किसके पक्ष में बोलता है मालूम नहीं, सुनने से तो पता चल नहीं जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया का भी एक तबका है जो पूर्ण रूप से उन्हीं की बात, नहीं बहुत बड़ा तबका है, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो मीडिया है हमारा, जो दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण है, आज तक उनके अगेंस्ट में कुछ लिखता ही नहीं है, जो भी लिखता है उसका जो भी चीज रहता है वो खास करके बीजेपी के सपोर्ट। तो लोकतंत्र में जो एक मीडिया का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछना, वो सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि उन्हीं की ही, मीडिया भी अधिकांश उन्हीं के पक्ष में है, फोर्थ पिलर खत्म हो चुका है। तो आप लोग बताइए इस बार फिर आप लोग इतना सरकार से निराश है, अभी चुनाव आने वाला है, नौजवान हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार वोट कहाँ देने की सोच रहे हैं? हम लोग तो फुल्ली इस वैसे उम्मीदवार को वोट करेंगे जो हमारे हक के लिए सांसद में आवाज़ उठाएं, हम बाकी और भी सारे कैंडिडेट हैं वो तो कभी सांसद में बैठते ही नहीं, तो फिर हमारे लिए वो क्वेश्चन कैसे पूछ पाएंगे तो सरकार से। तो किसका सोच रहे हैं आप अभी? तो मुख्य रूप से तो अभी हमारे सामने जो भी कैंडिडेट हैं उनमें जहाँ तक कन्हैया का जो प्रश्न पूछने की एक्टिविटी है या किसी भी चीज़ पे उसका जो प्रश्न पूछने का जो तार्किक मतलब तार्किक क्षमता है वो अदर कैंडिडेट की अपेक्षा बहुत हद तक है, और हमें उम्मीद है कि वो युवाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे को संसद में उठाया करेगा अगर वो बेगूसराय सीट से अगर वो चुनाव जीत जाता है। तो आप लोग मतलब आप कह रहे हैं आप कुशवाहा समाज हैं यहाँ पर, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज बोला जाता है, माना जाता है कम से कम कि नीतीश बाबू के साथ ज़्यादा रहता है, नीतीश बाबू NDA में हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अभी गिरिराज को नहीं देख रहे हैं, कन्हैया को देख रहे हैं? नहीं, अब पहले की विधानसभा में नीतीश कुमार के पक्ष में वोट जाएगा, निश्चित रूप से ही जाएगा, नीतीश कुमार का बहुत काम किया हुआ है तो उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने वाला लड़का लोकसभा जाए बहुत अच्छा रहेगा, बाकी किसी ने बात नहीं किया, जो SSC में स्कैम हुआ है उस पर किसी ने बात नहीं किया, कन्हैया ने बोला है। नहीं, जितने भी बेगूसराय कैंडिडेट खड़ा है उसमें कन्हैया लाइक है, इनको जो है सो अच्छा खासा योगदान मिलेगा जनता से, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उसके बाद युवा हैं, युवा संगठन जितने भी हैं इनको चाहते हैं, और इनकी जो है सो कोशिश है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से जो इनको सांसद बना के भेजा जाए। चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में कितना कुशवाहा समाज कुर्मी समाज के बीच में कितना सपोर्ट किस तरफ है? देखिए मैक्सिमम जैसे हैं युवा जितने भी हैं लगभग वो मैक्सिमम उनमें से खास करके जो पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए हैं वो लगभग मैक्सिमम कन्हैया के सपोर्ट में, और जितने भी लगभग प्रौढ़ावस्था में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो
अधिकांशतः बीजेपी के सपोर्ट। हम लोग मोदी सरकार से बहुत दुखी हैं। सवर्ण को 10% आरक्षण की जरूरत नहीं थी, ये उनका 5 साल का सबसे बड़ा ब्लंडर है। उनको जरूरत नहीं था, उनका रिप्रेजेंटेशन पहले से सांसद से लेके आईएएस ऑफिसर तक में उनका जाते हैं। गांव का आदमी है, ग्रुप डी सुरुप डी में चल जाता था, नौकरी हो जाता था। उनको जरूरत नहीं था 10% रिजर्वेशन का, वो गलत किए हैं। युवा जो देख रहा है, जो विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक लड़का किस तरह से इतना ज्यादा समर्थन हासिल कर रहा है, क्राउड फंडिंग के जरिए वो चुनाव लड़ रहा है, आखिर लोग उसमें कुछ देख रहे हैं, तभी तो पूरे देश के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। और उसमें एक ही चीज़ लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि उसके सांसद बन जाने से भी बेगूसराय का बहुत ज़्यादा विकास नहीं होना, जो गति है वो गति से ही चलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि क्वेश्चन पूछने का कल्चर कहीं फिर से आ जाए, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था, सांसद में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कल्चर आ जाए तो डेमोक्रेसी के लिए बेहतर। अगर आज बेगूसराय इतनी बड़ी एक चर्चित सीट रह गई है, बन गई है देश भर में, उसका एक कारण ये ज़रूर है कि एक सोच में कहीं ना कहीं चुनाव में इस बार बहुत नए नए मुद्दे भी यहाँ खड़े हो रहे हैं। जैसे बोला गया, कई बार बोला गया है कि भाई पढ़े लिखे बहुत सारे नौजवान जो कि इस बार अलग अलग जातियों से, अलग अलग बिरादरियों से भी एक युवा देख रहे हैं, उसकी जाति कम देख रहे हैं, एक युवा ज़्यादा देख रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस यस यस। नहीं सही है, बस सही है, ठीक है। कि एक ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जाति से ज़्यादा इस बार नौजवान एक नौजवान को देख रहे हैं और उसके प्रति उन सब की मंशाएं बन गई हैं। आप लोग जुड़े रहिए चलचित्र अभियान के साथ, बहुत मज़ेदार एक मुकाबला यहाँ बेगूसराय में बना हुआ है। शुक्रिया।